दोस्तों, हम कहते हैं मेरा भारत महान। हमारे लिए हमारा देश गर्व की बात है और उतना ही महत्व हमारे लिए देश का झंडा यानी कि तिरंगा भी रखता है। लेकिन यदि कोई हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान करे तो हमें गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। लेकिन यही अपमान यदि किसी बड़ी हस्ती द्वारा की गई हो तो क्या कहेंगे आप? दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही तस्वीर लाए हैं जिसमें बड़ी हस्तियों द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया है और देखिए उसके बाद क्या होता है। दोस्तों, ये पहली तस्वीर है आपके चहेते अक्षय कुमार की। लंदन के लॉर्ड मैदान में भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट के 2017 फाइनल में अक्षय कुमार मौजूद थे। अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हाथ में तिरंगा लिए एक तस्वीर पोस्ट की थी। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अक्षय ने हाथ में उल्टा तिरंगा पकड़ा हुआ है। ऐसे में तस्वीर पोस्ट करने के बाद वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल भी हुए थे। तिरंगे में केसरिया रंग सबसे ऊपर और हरा रंग नीचे होता है। जब अक्षय को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस बारे में पता चला तो उन्हें उस तस्वीर को डिलीट करना पड़ा। दोस्तों, ये दूसरी वीडियो है 2014 के स्वतंत्रता दिवस के मौके की, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तिरंगे का अपमान कर दिया। मनीष सिसोदिया ने तिरंगे को उल्टा फहरा दिया। वहाँ पर पार्टी के कई और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, पर हैरानी की बात तो यह है कि किसी का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि तिरंगा उल्टा है। हालांकि बाद में सफाई दी गई कि तिरंगे को उल्टा बांधने की गलती से हो गया। फिर भी झंडे को फहराने से पहले इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि झंडे तोलन के बाद कुछ भी गलत ना हो। अब ये तीसरी फुटेज आपको चौंकाने वाली है, क्योंकि इसमें कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तिरंगे का अपमान किया गया और मोदी जी को पता तक नहीं चला। दरअसल आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान जहां पर मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे की मुलाकात होनी थी, उसी जगह पर तिरंगा उल्टा लगा हुआ था, जहां पर जापान के पीएम पहले पहुंचे थे और काफ़ी देर तक तिरंगे को देखते रहे। हालांकि किसी भारतीय अधिकारी की इस पर नज़र नहीं पड़ी। और हैरानी की बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी वहाँ आए और जापान के पीएम से हाथ मिलाकर कमरे में चले गए और मोदी का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं गया कि झंडा उल्टा लगा हुआ है। जब सबको इस बात का पता चला तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई थी। और ये आखिरी फुटेज आपको फिर से हैरान करने वाली है, क्योंकि मॉरिशस के दौरे पर गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सामने ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान हो गया। लेकिन उनकी नज़र भारत किसान तिरंगे पर नहीं पड़ी। सीएम आदित्यनाथ ने उल्टे तिरंगे के साथ अपनी फोटो को भी ट्वीट कर दिया, जिसके बाद ट्विटर पर जमकर उन पर तंज कसा गया। मॉरिशस में सीएम योगी ने अप्रवासी घाट का दौरा किया और विजिटर्स रजिस्टर पर भी हस्ताक्षर किया। मुख्यमंत्री जिस जगह पर बैठकर हस्ताक्षर कर रहे थे वहीं टेबल पर तिरंगे को उल्टा लगाया गया था। हालांकि गलती का एहसास होने के बाद इस तस्वीर को योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर अकाउंट से भी हटा दिया। मॉरिशस ने भी इस गलती को लेकर माफ़ी मांगी है। मेरी राय में ये बिल्कुल गलत है, पहले झंडे का अपमान कर दो फिर माफ़ी मांग लो। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने ये वीडियो लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया है। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।